वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जियोग्राफी की सीरीज में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। आज हम उत्तर भारत का तीसरा बड़ा नदी तंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहले आपको मैंने बता चुका है कि तीन नदियां सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां थीं, क्योंकि इनका निर्माण ये कहाँ बहती थी, तेथिस सागर में गिरती थी और हिमालय बनने के पहले भी ये क्या है, प्रवाहित होती थी। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तेथिस सागर में गिरती थी उसने क्या किया, अपना मार्ग बदला। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ मोटे मोटे फैक्ट देख लेते हैं, फिर अपन मानचित्र के माध्यम से देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट ही ग्लेशियर है, चेम युंग डुंग ग्लेशियर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, उद्गमित होती है। वहाँ पर दो छोटी धाराएं आकर मिलती हैं और क्या बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र। एग्जैक्टली वो जो तिब्बत का पठार है वहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है, वहाँ पर उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं, तिब्बत में इसको अपन किस नाम से जानते हैं, सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये पूर्व दिशा में लगभग हिमालय श्रेणी के समानांतर 1100 किलोमीटर तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो नामचा बारवा पर्वत, जो कि हिमालय की श्रृंखला का ही एक भाग है, लगभग 7500 मीटर है, नामचा बारवा के निकट ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। वहाँ पर यह एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जानते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये कहाँ पहुँचती है, असम। असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं और असम में यह मैदानी भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। दोस्तों, असम के पहले तिब्बत में व अरुणाचल प्रदेश में यह नदी क्या बनाती है, गहरी घाटियां बनाती है, और असम में क्या बनाती है, मैदानी भाग बनाती है। असम के मैदानी भाग में बहते हुए यह दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली द्वीप का भी क्या करती है, निर्माण करती है। माजुली द्वीप की अगर अपन बात करें तो ब्रह्मपुत्र की कई धाराओं के बीच में एक बड़ा द्वीप बना है, हाल में इसे जिला भी घोषित किया गया है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इससे तीस्ता आकर मिलती है। बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जमुना नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो यह गंगा से मिलती है, गंगा को पद्मा व अपन ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। फिर इससे एक धारा आकर मिलती है मेघना, और ये संयुक्त धाराएं मेघना के नाम से आगे बढ़ते हुए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसा कि पीछे आपको मैप में दिख रहा होगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, और इसके बाद ये बहते हुए कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम मैप के माध्यम से देखेंगे ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों को। ठीक है, तो आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। तो आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो रेड कलर से नक्शा बना है, ये किसका नक्शा है, भारत का नक्शा है। इसके उत्तर में क्या है आपका, चीन का तिब्बत वाला भाग, और इधर जो हिस्सा है ये कौन सा है, बांग्लादेश है। अब हम ओरिजिन की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है वो कहाँ है, तिब्बत में है ना, चाइना का जो तिब्बत क्षेत्र है वहां पर इसका ओरिजिन है। और यहाँ पर जो मानसरोवर अपनी क्या है, झील है ना, अपना धार्मिक स्थल है मानसरोवर, उसी से लगा हुआ आपका कौन सा है, चेम युंगडुंग, जहां से ये नदी क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये पूर्व में हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। दोस्तों, ऐसे यहां से पूरी क्या है आपकी, हिमालय श्रेणी है, ऐसे विस्तृत क्या है आपकी, हिमालय श्रेणी है, उत्तर तक गई है इधर, और इसी के समानांतर ये पूर्व में बहते हुए सीधे कहाँ जाती है, ये पूर्वी चीन या पूर्वी भारत के उत्तरी क्षेत्र में। फिर यहाँ पे एक नामचा बारवा नामक क्या मिलता है, एक ऊंचा पर्वत शिखर मिलता है। ये कहाँ स्थित है आपका, चीन में स्थित है, जिसको ये कट नहीं कर पाती। यहाँ से ये नदी कहाँ मुड़ती है, दक्षिण मुड़ती है, दक्षिण मुड़ती है। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो जो दर्रा है यहाँ पर, जिस दर्रे से प्रवेश करती है उसका नाम कौन सा है, यांगपा दर्रा। नोट कर लीजिएगा इसको, जरूरी है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो यांगपा दर्रे से कहाँ भारत में ये क्या की, प्रवेश की, और यहाँ पर हिमालय की श्रेणी को काटते हुए ये दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यहीं पर ये दिहांग गॉर्ज का, दिहांग गॉर्ज। ठीक है,
अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये वी आकार की घाटी क्या है, बनाती है। अभी तक आपका ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, हिमालय पर्वतों की श्रेणी में है। यहाँ भी अपन देखेंगे हिमालय की श्रेणी से बह रही है और यहाँ पर हिमालय को श्रेणी को काटते हुए आ रही है। अपन देखेंगे तो इसके पूर्व से दो नदियाँ इससे आकर मिलती हैं, दिबांग और लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी इंपॉर्टेंट है, भी आगे आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इससे आकर क्या बनती है, दिबांग और लोहित नदी इससे आकर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं, दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दिहांग। जबकि तिब्बत में जब ये बहती होती है चाइना क्षेत्र में तो इसको हम या तो सांगपो बोलते हैं या इसी को हम जांगपो बोलते हैं या इसी को क्या कहते हैं, यारलुंग कहते हैं। तो ये तीन मेन नाम मिलते हैं आपको कहाँ, चाइना क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, दिहांग नाम से। और यहां पर ये क्या बनाता है, दिहांग दिबांग क्षेत्र बनाता है, आपका जैव विविधता वाला स्थल बनाता है, हॉट स्पॉट एरिया बनाता है ना। हॉट स्पॉट अपन जब यूनेस्को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या आएगा, हॉट स्पॉट। तो यहां पर दिहांग और दिबांग दो नदियां कहां मिली, अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ी तो इससे लोहित नदी आकर मिलती है और जब लोहित नदी मिल जाती है पासी घाट के पास, यहां पर क्या है आपका पासी घाट, पासी घाट के पास से ही आपका ब्रह्मपुत्र नदी कहां पहुंच जाती है, मैदानी भाग में पहुंच जाती है। अभी तक कहां थी, पर्वतों में। यदि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस स्थान के बाद ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो आप क्या टिक मारेंगे, पासी घाट टिक मारेंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र कहां नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहां आ गई, मैदान, और अरुणाचल प्रदेश से निकलकर असम राज्य में आ गई। मैंने अभी बताया था कि लोहित नदी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हाल में ही भारत के सबसे बड़े पुल का निर्माण हुआ है जिसका नाम है ढोला सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है। भूपेन हजारिका आपके असम के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया। ये ब्रिज अपन देखेंगे तो आर्थिक हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और रक्षा के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए पहले बहुत समय लगता था। अब मान लीजिए चाइनीज सेना वहाँ से आक्रमण कर दी, भारतीय सेना को काफ़ी समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो इस ब्रिज के कारण लगभग 6 से 8 घंटे का समय क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा, ये ब्रिज इतना मजबूत है कि इससे आपके हैवी व्हीकल टैंक वगैरह भी पहुंचाए जा सकते हैं। तो भारतीय सेना या रक्षा के हिसाब से भी ये ब्रिज क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ढोला सादिया आपका किस नदी पर है दोस्तों, लोहित नदी पर है। ध्यान रखिएगा, ढोला सादिया किस पर है, लोहित नदी पर है। ठीक है, अगर लोहित ऑप्शन नहीं है तब आप क्या मारेंगे टिक, ब्रह्मपुत्र मारेंगे, अन्यथा अगर लोहित ऑप्शन है तो लोहित ही टिक मारेंगे। इसके बाद ये नदी कहाँ आती है, आगे बढ़ती है तो पूर्व से ही एक नदी दिसांग आकर इससे मिलती है। इसके बाद देखेंगे तो दिखू नदी और उत्तर से सुबनसिरी नदी मिलती है। सुबनसिरी नदी अरुणाचल पहाड़, अरुणाचल राज्य से निकलती है, आपका जो हिमालयी क्षेत्र है, और दक्षिण में बहते हुए किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से। सुबनसिरी नदी में हाल में ही भारत की सबसे बड़ी परियोजना बनाई जा रही है। कौन सी परियोजना, सिंचाई के उद्देश्य से परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं असम राज्य में यह ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप आपको कुछ यहाँ पर पड़ेगा, एग्जैक्टली मैदानी भागों में आती है तो वह कई धाराओं में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये धाराएं, जैसे एक धारा इधर से गई, एक धारा और आगे मिल गई, बीच में क्या बना, एक बड़ा नदी द्वीप बना। तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है, और यह भारत का एकमात्र कार्बन उत्सर्जन है ना, जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला जिला भी है, अभी हाल में जिला घोषित कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं इसी के निकट एक राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, असम में है, है ना। यहाँ पर आपको दिखेगा माजुली के पास ही काजीरंगा। तो ये क्वेश्चन रेलवे जैसे एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो इससे दक्षिण से आकर कौन सी मिलती है आपकी, धनश्री नदी मिलती है। सब इसकी सहायक नदियां हैं। फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो कपिली और ऊपर से जिया भरेली और कमेंग आती हैं। आगे बढ़ेगी तो कृष्णाई नदी और उत्तर से आती है मानस नदी। फिर ये आगे बढ़ती है तो आपका सिक्किम के पास से आती है तीस्ता नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है।
ठीक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ से भारत और भारत और बांग्लादेश की क्या बनाती है, सीमा बनाती है, और इसके बाद अपन देखेंगे गोलपाड़ा या धुबरी के पास ये कहाँ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अब इस मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ प्रमुख आपके क्या हैं, शहर स्थित हैं, ठीक है। इन शहरों के बारे में देखेंगे तो अगर इन शहरों की बात करेंगे दोस्तों तो इन शहरों में सबसे पहला जो बड़ा शहर आएगा उसकी बात करेंगे डिब्रूगढ़, है ना। तो पहला सबसे बड़ा शहर कौन सा आएगा आपका, डिब्रूगढ़, है ना, असम का। इसके बाद बात करेंगे तो मैदानी भाग में तेजपुर आएगा जो कि असम का बड़े शहरों में से एक है, तो आपका डिब्रूगढ़ हो गया, तेजपुर हो गया। इसके बाद बात करें तो असम की जो राजधानी है दिसपुर, कौन सी, दिसपुर, वो भी आपको इसी नदी के किनारे दिखाई देगी। तो डिब्रूगढ़, आपका तेजपुर और आपका कौन सा आ गया, असम की राजधानी दिसपुर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, धुबरी, क्या आएगा आपका, धुबरी। ये आखिरी पॉइंट है भारतीय क्षेत्र का, फिर यहाँ से क्या बनती है, सीमा बनती है। धुबरी के बाद अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो ये नदी कहाँ पहुँच जाती है, बांग्लादेश पहुँच जाती है, ठीक है। धुबरी के पहले एक और शहर पड़ता है गोलपाड़ा, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। गोलपाड़ा और धुबरी दो इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ डिब्रूगढ़ से लेके धुबरी तक ये भारत में मैदानी भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। एक और बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की वैली बनाती है, तो दोस्तों ये रैंप वैली बनाती है। अपन देखेंगे कि नर्मदा नदी जो है वो कौन सी घाटी बनाती है, तो अपन देखते हैं उसमें रिफ्ट वैली ऑप्शन है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है, रैंप वैली। रैंप मतलब क्या होता है, एक तेज ढाल वाला क्या होता है, प्लेन होता है। तो देखिए यहाँ से क्या आई, ये पहाड़ी भागों से आई, बहुत सारा जल क्या है, एकत्रित करती है, और जब इस रैंप वैली में आती है तो ये जल बहुत तेजी से बहकर कहाँ आता है, आपका नीचे की ओर आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग प्रत्येक वर्ष मानसून सीजन में आपका असम में बाढ़ आना ही आना है। इस साल भी अगर आप देख रहे होंगे तो असम में बाढ़ आने के कारण लाखों लोग क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। कारण क्या है कि ये पहाड़ी भागों का पानी बहुत तेजी से इकट्ठा होता है, अब पानी ज़्यादा है, जगह कम है, तो यहाँ तेजी से आया, और यहाँ मैदानी भाग में जैसा आता है तो पानी को फैलने की जगह मिलती है, तो जब बहुत सारा पानी जो एक सकरे भाग से आ रहा है जैसे ही मैदानी भाग में पहुंचा तो पानी क्या लगता है, फैलने लगता है। तो जितना भी असम का आपका मैदान है ये कहाँ आता है, बाढ़ क्षेत्र में आता है, और फाइनली ये बाढ़ का पानी किसको प्रभावित करता है, बांग्लादेश को। विश्व का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देशों में बांग्लादेश है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी का पानी भी आता है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आता है, और इसकी सहायक नदियों का है ही है। दूसरा, ये तटीय क्षेत्र है तो मानसून हमेशा यहाँ सक्रिय रहता है, इन कारणों से क्या होता है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बाढ़ या बहुत ज़्यादा पानी रहता है। फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आपका मानस नदी, मानस नदी एग्जैक्टली मानस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो आप नक्शे के हिसाब से ध्यान रखेंगे। देखिए काजीरंगा आपको यहाँ दिखेगा और यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और लगभग यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया क्या है, कवर करती है बेसिन के हिसाब से। 2900 किलोमीटर में यहाँ से लेके यहाँ मोड़ तक 1100 किलोमीटर आपका कहाँ है, तिब्बत क्षेत्र में है। इसके बाद लगभग 300 किलोमीटर आपका कहाँ है, ये बांग्लादेश में है, और जितना हिस्सा, जितना बचा हुआ हिस्सा है लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर ये भारत में क्या होती है, प्रवाहित होती है। भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो दो राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। तो दो राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। एक बार इसके नाम और मैं फिर से बता देता हूँ, चीन में इसका नाम क्या है, सांगपो, जांगपो या यारलुंग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, तो दिहांग। असम में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है, जमुना, ठीक है। अब देखिए गंगा यहाँ से पद्मा नाम से आती है और जमुना, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, यहाँ से एक मेघना नदी आती है और मेघना नदी से मिलती है, और इन तीनों की संयुक्त धारा मेघना नाम से आपका कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और एक बड़े डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करेगी, एक बड़े डेल्टा का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा नाम से भी क्या है, जाना जाता है।
ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो यदि हम गंगा को छोड़ दें तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी कौन सी सहायक नदी तीस्ता मिलेगी। तीस्ता बड़ी ही विवादित नदी है क्योंकि पहले ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का क्या करती थी, निर्धारण करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि रातों रात तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदल दिया, है ना। ये नदी मान लीजिए पहले ये कहां से बहती थी, यहां से बहती थी। रातों रात क्या हुआ, तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदल दिया और जहां से आज बह रही वो 16 किलोमीटर आगे से बहने लगी। अब समझौता तो ये था कि तीस्ता नदी क्या होगी, सीमा बनाएगी, मतलब जो पुरानी सीमा छोड़ी वो भारत के कब्जे में आ गई। तो बांग्लादेश यहाँ पर विवाद खड़ा कर दिया था कि भैया वो क्षेत्र हमारा है जिसको अभी आप लोग अपना बता रहे हैं। तो तीस्ता नदी मार्ग बदलती रहती है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी नदियाँ हिमालय से मैदानी भाग में आती हैं, उत्तर भारत में जितनी भी नदियाँ हिमालय से मैदानी भाग में आती हैं, वो ज़्यादातर मार्ग परिवर्तित करती हैं। चाहे अपन कोसी देख लें, चाहे गंडक देख लें, चाहे तीस्ता देख लें। कारण ये है कि भाई मुलायम मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, और पानी क्या है, तीव्र गति से आ रहा है, ढाल बहुत तेज रहती है, तो वो बलुई मिट्टी कट जल्दी जाती है। तो जो नदी की मुख्य सरिता है वो अपना मार्ग क्या रहती है, परिवर्तित करती रहती है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। सहायक नदियां एक बार फिर से आप देख लीजिए, दिबांग, लोहित, दिसांग, दिखु, धनश्री, कपली, कृष्णाई, ये कहाँ से मिल रही है आपका, दक्षिण क्षेत्र से। यह हम नदी की दिशा में अगर देखेंगे तो ये हमारे किस तट से मिल रही हैं, बाएं तट से मिल रही हैं। और दाएं तट से अगर मिलने वाली नदियों में देखेंगे तो मानस, कमेंग, जिया भरेली, सुबनसरी, ये नदियाँ कहाँ से दिखेंगी आपको, दाएं तट से दिखेंगी। देखिए तट कैसे डिसाइड होता है, आप जो नदी की धारा है उस ओर मुँह करके खड़े होइए। तो देखिए इसकी धारा यहाँ कहाँ है, इस ओर है, इस ओर हम मुँह करके खड़े हुए तो आपका क्या होगा, दायां और बायां। इस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि नदियों की कौन सी दाएं तट से हैं और कौन सी बाएं तट से हैं। एक और बात बताना चाहूंगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम के मैदान में गुम्फित जलमार्ग का क्या करती है, निर्माण करती है। कहां से कहां तक आप गुम्फित जलमार्ग बनाएगी, तो असम घाटी में, ये जो असम घाटी है ये यहाँ पे क्या बनाती है, गुम्फित जलमार्ग। और उसी गुम्फित जलमार्ग एग्जैक्टली जो बहुत सारे टापू बनते हैं नदी की कई धाराओं में बंटने कारण, उसी को अपन गुम्फित जलमार्ग भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैपिंग द्वारा। अगर आप मैपिंग अभी नहीं बना पाए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना भी डिटेल मैंने बताया है आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि कोई और अन्य जानकारी है तो आप अपने नोट्स में नीचे नोट करते जाएंगे। तो ये हमने देखा क्या आज, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हमारा तीसरा नदी तंत्र खत्म हो गया, हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र समाप्त कर दिया है। मैंने जैसे पहले बताया था कि जो ये सहायक नदियां हैं इनके बारे में वैसे एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, फिर भी आप इनमें से जो इम्पोर्टेंट है जैसे तीस्ता नदी, तो आप तीस्ता नदी का उद्गम लंबाई अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा सहायक नदियों के बारे में इनमें नहीं पूछता है, बस इनसे संबंधित परियोजनाएं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य इनसे अगर बन रहे हैं वो इनसे पूछा जा सकता है। जैसे सुबनसरी से जो आपका सिंचाई परियोजना है उससे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, लोहित में जो ब्रिज बना है उससे क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, मानस अभ्यारण्य है, मानस नदी, इससे संबंधित एग्जाम में बन चुके हैं, तीस्ता नदी से बन चुके हैं, या डायरेक्ट निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक है, एक नदी यहाँ से उठा लेगा, तीन नदी आपका अन्य नदियों से उठा लेगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, आपके क्वेश्चन बनते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। तो आज की वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समाप्त किया। कुछ ही दिन में जैसे ही हमारा आपका नदी तंत्र पूरा समाप्त हो जाएगा, हम जियोग्राफी की MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत होंगे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहेंगे और उनको हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।